Now here we will discuss some of the problems, numerical problems associated with biotechnology. पहला question जो आपके सामने है कि template DNA का number given है PCR में, starting में हमारे पास 1000 template DNA है, आपको बताना है 20 cycle के बाद number of DNA molecule क्या होंगे. अब हमें मालूम है कि जो DNA का number है वो हर cycle में double होगा, so यहाँ पर formula रहेगा 2^n, जैसे mitosis के लिए होता है. So 20 cycle के बाद डीएनए नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल रहेगा 2^20. आंसर आपको अप्रॉक्सीमेट देना है, जैसा कि आपके पास ऑप्शंस हैं तो थोड़ा मैथ्स का यूज करेंगे. सो 1000 स्टार्टिंग में गिवन है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2^20. 2^20 को ब्रेकअप करेंगे 2×10 एंड 2^10, सोल्व करने कोशिश करेंगे. 2^10 हमें मालूम है 1024 होता है, अप्रोक्सीमेटली उसे हम लिखेंगे 10^3. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है PCR से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें आपका फॉर्मूला रहेगा 2^n, बिकॉज हर साइकिल में नंबर ऑफ DNA इज गेटिंग डबल. दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हैं, ECOR1 एंड RSA1. ECOR1 का हमें पहले ही मालूम है कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस 6 बेस पेयर है, RSA1 का 4 बेस पेयर है. आपको बताना है कि एक 10 KB DNA फ्रेगमेंट्स में कितनी क्लीवेज साइट होंगी इस एंजाइम के लिए. ये किसी इस तरह का जो क्वेश्चन है वो किसी और एंजाइम के लिए भी आए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, टोटली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. ECOR1 से हम समझते हैं, जैसे ECOR1 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है दैट इज GAATTC 6 बेस पेयर सीक्वेंस है, जी की जगह कोई और बेस आए या किसी और बेस की जगह जी आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4. हमें मालूम है चार तरह के बेस हैं, ATGC, तो यहाँ पर जी ही आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4. तो फर्स्ट पोजीशन पे जी ही आए प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/4. इसी तरह सभी 6 पोजीशन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? सेम, जी 1/4 1/4 1/4 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/4096. इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे? ये फॉर्मूला यहाँ पर, ये कैलकुलेशन ये कह रही है कि 4096 बेस आने पर एक सीक्वेंस, एक प्रोबेबिलिटी है आने की कि वो सीक्वेंस क्या हो, ECOR1 की कटिंग साइट. यानी कि अगर हमारा DNA 4096 बेस पेयर लंबा है तो उसमें ECOR1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी? 1. अब मैथ्स लगाना है सिंपल, कि हमें 10 किलो बेस डीएनए से पता लगाना है. 10 किलो बेस मींस 10,000 किलो बेस, तो हम देखेंगे कि 10,000 किलो बेस में प्रोबेबिलिटी कितना होगी, ये होगी लगभग 2. इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है RSA1, जिसमें जो बेस सीक्वेंस है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, वो 4 बेस पेयर लंबी है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी रहेगी हर 256 बेस पेयर में से एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो सकती है. यानी कि 256 बेस पेयर लंबे DNA में एक रेस्ट्रिक्शन साइट होने की प्रोबेबिलिटी है, तो 10,000 बेस में से कितना होगा? 256. इसके बाद थर्ड जो न्यूमेरिकल है, दैट इज हमारे पास दो DNA गिवन है, वन इज़ वेक्टर DNA जो 6 KB का है और दूसरा है माउस जीन जो 8 KB का है. सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि साइंटिस्ट ने 6 KB वेक्टर DNA में 8 KB माउस जीन को इंसर्ट किया विद द हेल्प ऑफ ECOR1, और इस ECOR1 में वेक्टर DNA के पास एक ही क्लोनिंग साइट है. जेल पे हमने रन किया और अलग अलग तरह के पैटर्न मिले. पहला जो पैटर्न है वो क्या है, जब हमने इस DNA को, जो RDNA है जिसमें माउस जीन भी है और वेक्टर DNA भी है, ECOR1 से ट्रीट किया तो हमें दो फ्रेगमेंट मिले, 8 KB का और 6 KB का. लेकिन जब हमने इसे BAMH1 से ट्रीट किया तो हमें 3 फ्रेगमेंट मिले, 5.5 KB के, 4.5 एंड 4. देखो यहाँ पर भी मैथ्स लगाना है, बायो सिर्फ यहाँ पर इतना है कि आपको ये पता चल सके कि ये जो जेल का पैटर्न है उसमें आपको फ्रेगमेंट कितने मिले हैं और किस साइज़ के मिले हैं. तीसरा जो मैं लिखना भूल गई हूँ यहाँ पर, वो तीसरा जो बेंडिंग पैटर्न है वो हमें कब मिला है, जब हमने ECOR1 एंड BAMH1 दोनों से ट्रीट किया. तो ECOR1 और BAMH1 दोनों से ट्रीट करेंगे तो हमें फ्रेगमेंट मिला 4 KB का, 3 KB का, 1 KB का, 3.5 एंड 2.5. अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी क्लोनिंग साइट कितने डिस्टेंस पे अरेंज्ड है.
अब तक जो आपके पास डाटा है तो उससे आपको एक क्लैरिटी हो रही है कि बैम एच वन से ट्रीट किया तो भी 4 KB का है, और दोनों से अगर हमने ट्रीट किया तो भी 4 KB का है, जबकि जो 6 KB जो वेक्टर DNA है उसमें इको आर वन के लिए सिर्फ एक ही क्लोनिंग साइट है। यानी कि अगर इको आर वन कट करेगा तो उसमें हमें जो माउस जीन है वो कितने KB का मिलेगा, 8 KB का। कैसे, ये देखिए ऊपर हमने सर्कुलर प्लाज्मिड DNA ड्रॉ किया है। अब इस सर्कुलर प्लाज्मिड DNA में क्या शो किया है हमने, पहले ब्लू पेन पे निगाह डालेंगे, ये जो हमने ई लिखा है, ये जो ई है ये इको आर वन कटिंग साइट है। इको आर वन ये आप कहाँ से देखेंगे, ये वेक्टर है 6 KB का, इको आर वन से हमने इसको कट किया तो ये सेपरेट हो जाएगा और ये फॉरेन जीन इंसर्ट हो गया। जो 8 KB का माउस जीन है वो 6 KB वेक्टर DNA में इंसर्ट हो गया है। तो जो माउस जीन है वो तो 8 KB का और वेक्टर DNA वो 6 KB का है। अब हमें बेंडिंग पैटर्न से मालूम है कि जो 6 KB फ्रेगमेंट है वो कितने का बन सकता है, 3.5 एंड 2.5। ये देखो यहाँ पर जैसे बैम एच वन से हमने ट्रीट किया तो 5.5 है, 4.5 है और 4 है। जब हमने दोनों से ट्रीट किया तो हमारे क्या मिला, 4, 3, 1, 3.5, 2.5। और अगर हम इसमें 6 टोटल देखते हैं वेक्टर DNA का, तो वेक्टर DNA में क्यों देख रहे हैं हम 6, क्योंकि हमें मालूम है बैम एच वन से ट्रीट किया या दोनों से ट्रीट किया तो हमें 4 KB मिल रहा है। इसका मतलब जो 4 KB DNA है वो माउस जीन के अंदर प्रेजेंट है, वो वेक्टर में नहीं है। अब हम 4 अगर देखें, जो 6 अगर टोटल देखें, 6 KB कब बन सकता है, जब हम 3.5 और 2.5 को ऐड करते हैं, और कोई नंबर हमारे पास यहाँ नहीं है 6 KB के लिए। तो वेक्टर DNA के अंदर जो है वो बैम साइट जो मैंने B से मेंशन किया है वो 3.5 और 2.5 के डिस्टेंस पे होंगी। यानी कि जब हम बैम एच वन से ट्रीट करेंगे तो ये 3.5 का सेगमेंट एक और 2.5 का एक है। लेकिन ध्यान रहे ये इको आर वन साइट है। इसके अलावा जो 8 KB फ्रेगमेंट्स है उसमें हम जेल पैटर्न को देखें तो हमें कौन कौन से नंबर मिल रहे, 1, 4 एंड 3। अब आपको इन्हें इस सीक्वेंस में अरेंज कर देना है कि जब हम बैम एच वन से ट्रीट करें तो हमें कैसे सेगमेंट मिले, 5.5 KB, 4 KB एंड 4.5 KB। यहाँ पर मैंने उन्हें अरेंज कर दिया है। ये देखो B को कट करेंगे तो 2.5 तो यहाँ है और 3 यहाँ है, तो टोटल हो गया ये 5.5। ऊपर अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में, दो पिंक कट के बीच में जो है 4 KB का डिस्टेंस है। इसी तरह अगर हम थर्ड पोर्शन देखें तो 1 KB का तो ये है इको आर वन और इसके बीच में, और बैम और इसके ई के बीच में 3.5 है। अब आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर इको आर वन से ट्रीट करेंगे तो आपको मिलेगा 6 KB और 8 KB का फ्रेगमेंट, लेकिन अगर हम बैम एच वन से ट्रीट करते हैं तो आपको मिलेगा 5.5 KB, 4 KB एंड 4.5 KB। जेल पैटर्न को देखो मैच करेगा। दोनों से ट्रीट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 KB का, 3.5 KB, 2.5 KB, 3 KB, 4 KB। सो आपका आंसर रहेगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जो फॉरेन जीन है उसमें जो है आपको बैम एच वन की साइट पूछी गई है तो उसमें कौन से सेगमेंट क्रिएट होंगे, 1 KB एंड 3 KB। वेट करेंगे, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है वो हमने इसमें लिखा नहीं है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। इसमें ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय डाइजेशन विद बैम एच वन एंड इको आर वन। क्या पूछा है कि कौन सा DNA फ्रेगमेंट्स जब हमने दोनों से ट्रीट किया इको आर वन और बैम एच वन से, वो माउस जीन से है, तो माउस जीन से हमें बताना है। तो माउस जीन देखो 3 सेगमेंट में टूटा है, 1, 4 एंड 3। 4 हमें मालूम है कि जब हमने बैम एच वन से ट्रीट किया तब भी मिला था, तो इसका मतलब यहाँ पे एम्बिग्यूटी आ गई है। तो अपने पास आंसर क्या रहा, 1 एंड 3। ये पूछा था कि दोनों एंजाइम से ट्रीट करने के बाद ऐसा कौन सा सेगमेंट है जो हमें जीन से मिला है। तो देखो दोनों एंजाइम से हम ट्रीट करेंगे तो आपको जो 8 KB का DNA है वो टूटेगा 1, 4 एंड 3 में, क्योंकि 8 टोटल और किसी भी तरीके से नहीं हो पाया था। जैसे और जो सेगमेंट्स गिवन है 2.5, 3.5, अगर इसको भी हम मिलाते हैं 3.5, 2.5 कितना हो गया, 7 और ये 1, लेकिन हम इसको टोटल मैच जो है इसको हम लगा कर देखेंगे कि बैम एच वन के फ्रेगमेंट्स भी आने चाहिए तो ये ऐसे नहीं आ पाएंगे। तो हमारे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उससे हमें क्या पता चला कि जो फॉरेन DNA है, माउस जीन है, वो 1, 4 और 3 KB में टूटा,
चार के बी हमें बैम एच वन से भी मिल रहा है, तो इसका मतलब जो माउस जीन है उसके अंदर आपको कौन कौन से फ्रेगमेंट मिलेंगे, 1KB एंड 3KB। हमें मालूम है कि जो बैम एच वन की जो क्लोनिंग साइट है उसने वेक्टर डीएनए को कितने में तोड़ा है, 3.5 एंड 2.5। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि एक हमारे पास प्लाज्मिड है जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए 3 साइट हैं। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि प्लाज्मिड सर्कुलर है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए अगर 3 साइट हैं तो हमें 3 बैंड मिलेंगे जेल पर, और अगर लीनियर डीएनए होता और 3 साइट होती तो हमें 4 फ्रेगमेंट्स मिलते और 4 बैंड मिलते। इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर फ्रेगमेंट का साइज सेम है तो वो सिंगल बैंड की फॉर्म में अपीयर होंगे। मान लीजिए हमने इस डीएनए को कट किया और हमें 4 फ्रेगमेंट मिले और 4 में से 2 फ्रेगमेंट का साइज सेम है तो आपको 4 बैंड नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 3 बैंड मिलेंगे। नाउ इसके बाद एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपके पास एक सर्कुलर प्लाज्मिड है जिसका साइज 10,000 बेस पेयर है। ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट पेज पर मेंशन था और आप समझ नहीं पाए थे। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनेंगे, एक सर्कुलर प्लाज्मिड है जिसका साइज है 10,000 बेस पेयर। अब इस 10,000 बेस पेयर को हम 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर रहे हैं, चाहे आप ए से कट करें चाहे आप बी से कट करें, आपको 5,000 बेस पेयर के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। इसका मतलब जो ए की कटिंग साइट है, ए 2 पॉइंट से कट करेगा तो वो 10,000, 5,000 में कट होगा, और अगर हम बी से भी कट करें तो वो भी कितने में कट होगा, 5,000 ईच। लेकिन अगर दोनों से कट करते हैं, दोनों में से किसी एक से करते हैं तो 5,000 बेस पेयर का फ्रेगमेंट मिलेंगे, लेकिन अगर हम दोनों से कट करते हैं ए एज वेल एज बी से तो 3,000 और 2,000 बेस पेयर के कट मिलते हैं। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक और चीज़ जो क्वेश्चन में गिवन है कि अगर फर्स्ट साइट फॉर जीन ए प्रेजेंट एट 100th बेस, तो ये हम मान लेते हैं कि जो ए वन साइट है वो 100 बेस पर है, तो बेटा ए टू कितने पे होगी, 5100 पे। क्यों? क्योंकि ए वन ए टू से जब हम कट करेंगे तो हमें 2 फ्रेगमेंट मिलने चाहिए जो 5,000 बेस पेयर के होंगे। तो पहला अगर 100th पोजीशन पे है तो ए टू साइट होगी 5100 पोजीशन पर, हो गया। अब आपको देखना है कि ए और बी दोनों से कट करें तो आपको 3 और 2,000 के फ्रेगमेंट मिलने चाहिए, यानी कि ए वन और बी वन के बीच में कितना डिस्टेंस हम रखेंगे, 3,000। तो बी वन कौन सी पोजीशन पे होगा, 3100 पे। अब देखो बी वन और ए टू के बीच में कितना डिफरेंस आ गया, 2,000 का। अब इसी तरह ए टू और बी टू के बीच में कितना डिफरेंस आना चाहिए, 3,000 का। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, अब यहाँ 2,000 भी हो सकता था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो बी वन और बी टू के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5,000। मैथ्स है, कुछ भी नहीं है, मैथ्स लगाना है आपको। बी वन और बी टू से जब हम कट करेंगे, बी से कट करेंगे तो आपको 5,000 के फ्रेगमेंट, यानी कि बी वन और बी टू के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए 5,000, और ए वन और ए टू के बीच में भी कितना होना चाहिए, 5,000। ए वन बी वन या ए टू बी टू इनके बीच में होना चाहिए 3 या 2। अब जैसे जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया उसमें आप देखो, ए वन अगर 100 पे है तो ए टू है 5100 पे, तो आपको 5,000 के सेगमेंट्स मिल गए। बी वन बी टू से कट करेंगे तो 3100 और 8100 पे कटिंग साइट है, तो आपको ये फ्रेगमेंट्स मिल गए 5,000 ईच। अब आपने दोनों एंजाइम से ट्रीट किया तो ए वन बी वन के बीच में देखो 3,000 का डिफरेंस है, बी वन ए टू के बीच में 2 का, ए टू बी टू के बीच में अगेन 3 का, और बी टू ए वन के बीच में अगेन 2,000 का डिफरेंस है। सो आई होप द क्वेश्चन इज सोल्व्ड। नाउ इसके बाद एक और क्वेश्चन देखें। ये कोई डीएनए फ्रेगमेंट है जिसमें ALU रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए कटिंग साइट है, 4 बेस पेयर कटर है, ये मतलब रिकॉग्निशन सीक्वेंस 4 बेस पेयर लंबी, सेम रिपीटेशन है, तो यहाँ पूछा है कि कितनी फ्रीक्वेंसी होगी इसको कट करने की, तो हर 256 बेस पेयर पर 1 रेस्ट्रिक्शन साइट होगी। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद एक और क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर डीएनए शो किया हुआ है कि कौन से एंजाइम से ट्रीट करें तो कहाँ पर कट लगेगा। अगर इको आर वन से कट करेंगे तो 2 कटिंग साइट है, एक तो है 1KB पर और एक लास्ट में जो है 5438 और ये लास्ट में जो 3KB, यानी कि इको आर वन से हम कट करेंगे तो हमें 3 सेगमेंट मिलेंगे, 1KB का और 5438KB का और 3KB का, समझ आ रहा है। इको आर वन से कट करेंगे तो 1KB, 8KB, 3KB, लेकिन बैम एच वन से कट करेंगे तो हमें 2 ही फ्रेगमेंट मिलेंगे, एक तो 3+1 4KB और 5 और 3 8KB।
ठीक, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, दोनों एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो कितने बैंड मिलेंगे। अब हमने क्वेश्चन को इसको बढ़ा दिया है, अगर इको आर वन से ट्रीट करें तो हमें तीन बैंड मिलेंगे, 1 KB, 8 KB एंड 3 KB। लेकिन अगर बैम एच वन से ट्रीट करेंगे तो हमें दो फ्रेगमेंट मिलेंगे, 4 KB एंड 8 KB। लेकिन दोनों एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो हमें फ्रेगमेंट मिलेगा 1 KB, 3 KB, 5 KB, 3 KB। बैंड कितने मिलेंगे, फ्रेगमेंट कितने हैं, 4। बैंड कितने मिलेंगे, 3, क्योंकि जो 3 KB और 3 KB है उनका साइज क्या है, सेम।